हेलो एवरीवन, वेलकम टू कान्हा की सिंपल फैमिली। मैं हूं मंजू त्यागी और आज का व्लॉग शुरू हो चुका है। सुबह का टाइम है और कपड़े धुले थे लेकिन कपड़ों की तय नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने सुबह को ही कपड़े बेड पर डाले हैं और उनकी तय करने में लग गई हूं। अब बनानी है मुझे रोटी। वैसे तो सुबह का सारा काम पहले ही हो चुका था लेकिन हमारे कुत्तों की रोटी नहीं बनी थी। इनके बाबा कुत्तों को रोटियाँ लेकर जाते हैं और मैं डॉगी की रोटी बना रही हूँ। उसके बाद ही दूसरे काम में लगूंगी। बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं। आपने दवाई खाई कान्हा? हाँ। कौन दिलवा कर लाया? डॉक्टर। कौन दिलवा कर लाया डॉक्टर से दवाई? मेरे पापा। कब गए? अभी। आराम लग गा? हाँ। अब आप ठीक हो? हाँ। क्या हो रहा है आपके? नहीं है। मुझे ढूंढने हैं सेप में कुछ कपड़े। मेरी सेप उबड़ खाबड़ हो रही है। जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा मैं इसे ठीक से लगाऊंगी क्योंकि मुझे बच्चों को कपड़े देने हैं। हमारे घर में वायरल बुखार हुआ है बच्चों को। बच्चे बहुत बीमार चल रहे हैं और मेरी छोटी बहन शोभा को भी बहुत तेज बुखार हो रहा है। मुझे बेड में से कुछ निकालना है तो मेरे सामने मैंने साड़ी तैयार की थी। मैं आप लोगों को अपनी सिंपल सी साड़ी दिखा रही हूँ। मैंने ब्लाउज इसका बाहर सिलवाया है। मुझे सिलाई नहीं आती है लेकिन मैंने साड़ी खुद ही तैयार की है। मैं इसे किसी फंक्शन पर पहन लूँगी। हल्की सी साड़ी है, मुझसे भारी साड़ी नहीं पहनी जाती है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप बताना आपको मेरी सिंपल सी साड़ी कैसी लगी। प्लेन है बिल्कुल, इसमें कोई वर्क नहीं है, बस लेस लगी हुई है। और ब्लाउज तो मैंने सिलाई पर ही सिलवाया है। मुझे सेप में ही रख दी थी, मैंने पहले नहीं दिखा पाई मैं इसको। आज मुझे सेप में से कपड़े निकालने थे, बच्चों को डॉक्टर के दिखाने जाना है, इसलिए मैंने सोचा आपको ये साड़ी भी दिखाई देती हूँ। वैसे तो मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हैं और जब सभी बच्चे बीमार हो जाते हैं तो बहुत परेशानी हो जाती है, इसलिए मेरी वीडियो भी कई दिनों से नहीं बन रही है। मुझे सेप में एक भी कपड़ा नहीं मिला और मुझे बेड में से कपड़े निकालने पड़ रहे हैं। हम कहीं गए थे और मैंने सारे कपड़े इधर उधर रख दिए हैं। मेरा बेड भी ठीक से नहीं लग पाया है। जब बच्चे ठीक हो जाएंगे और शोभा भी ठीक हो जाएगी नवरात्रों में, मैं अपना बेड और सेप बिल्कुल सही से लगा कर रखूँगी क्योंकि मैं सामान रख कर भूल जाती हूँ। मुझे सामान पाता नहीं है तो मुझे सब जगह ढूंढेर मचानी पड़ती है। मेरे साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है और मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है और अब श्राद्ध भी चल रहे हैं इसलिए बहुत काम बढ़ा हुआ है। शोभा भी अचानक से, उसे बहुत ज़्यादा नज़ले जुकाम खांसी हो गए हैं और हमारे बच्चों के भी बहुत खांसी जुकाम हो रहे हैं। हमने उन्हें स्कूल में भी नहीं भेजा है क्योंकि बीमार बच्चों को स्कूल में भेजना सही नहीं है। दवाई उनकी चल रही है। बेड को बंद करने के बाद मैंने गद्दा बेड पर बिछा दिया है क्योंकि मुझे नहीं पाए हैं कपड़े, मुझे अलमारी में ही देखने पड़ेंगे। मेरे साथ यही दिक्कत होती है, जब कोई कुछ सामान मांगता है तो मुझे सारे में ही टटोलना पड़ता है क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत वीक होती जा रही है। मुझे पुरानी बातें याद रहती हैं लेकिन तुरंत की बात मैं भूल जाती हूँ। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चलता रहता है। मैं याद करने की कोशिश तो करती हूँ लेकिन याद नहीं रख पाती हूँ। मुझे कुछ याद आ गया था और मैंने सेफ में से निकाल कर वो कपड़े भी फिर बैग में ही रख दिए हैं क्योंकि मुझे बार बार बेड खोलना और सेप खोलना पसंद नहीं है, इसलिए अब मुझे याद आ गया तो मैंने सेप में से निकाल कर बेड में ही कपड़े रख दिए हैं जिससे एक जगह ही सारे कपड़े रखे रहें। अब मैंने अपने बेड को बंद कर दिया था और मुझे करनी है शाम की पूजा। मैं आ गई हूँ मंदिर में क्योंकि सुबह पूजा करती है और उसको चढ़ा हुआ है बुखार, इसलिए मुझे ही पूजा करनी है। पूजा करने के बाद मैं बच्चों को दूध दूंगी और दवाई दिलवाऊंगी।
एक आदमी पर तो देखो सारा काम होता नहीं है और वैसे भी मुझसे जल्दी काम नहीं हो पाता है। मैं धीरे धीरे काम में लगी रहती हूँ और यही कारण है कि मेरी वीडियो नहीं बन पा रही है। मैं भी रोज़ चाहती हूँ कि मैं वीडियो यूट्यूब पर डालूँ, लेकिन बच्चे बीमार हो रहे हैं और घर में सभी को नज़ले जुकाम खांसी हुए हैं, इसलिए मेरा कोई भी काम ठीक से नहीं हो पा रहा है और मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम को आप लोग समझो। जो भी वीडियो मैं डाल रही हूँ मेरी वीडियो को पूरी देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे कमेंट करना। हमारे घर में रोज़ शाम को पूजा की जाती है, वैसे तो सभी घरों में रोज़ शाम को पूजा की जाती है, लेकिन अब श्राद्ध चल रहे हैं, बहुत से घरों में श्राद्धों में पूजा नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो पूजा कर लेते हैं, सभी लोग करते हैं, इसलिए हमने भी पूजा छोड़ी नहीं है और हम हमेशा ही अपने मंदिर में जोत जगाते हैं। पूजा करने के बाद मुझे दूसरे काम में लगना है, बस मेरी पूजा होने ही वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। बाय बाय, टाटा।